पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। तोपों की सलामी से दिन का आगाज। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में 21-21 तोपों की सलामी। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चमन में परेड और कार रैली। कोयटा में हैवी बाइक सड़कों पर आ गईं। मसाजिद में भी मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदर मुमलिकत से राबता। यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। अमरीकी सदर ने पाक अमरीका ताल्लुकात का मुश्तरका मकसद इलाकाई अमन और खुशहाली करार दे दिया। अफगानिस्तान अमन अमल में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कोरोना और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का भी मिलकर मुकाबला करने का अज़्म। पाक भारत आबी तनाजा, 2 साल बाद मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफद भारत में मौजूद। सिंध टास्क कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह क़यादत कर रहे हैं। दरियाए चना पर मुतनाज़े पिन बिजली मंसूबों पर बात होगी। पेशावर में मूसलाधार बारिश, सड़कें डूब गईं। बारिश ने म्यूनिसिपल इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। पानी की निकासी ना होने से शहरियों को मुश्किलात। BRT गुलबहार स्टेशन की छत भी टपकने लगी। कराची में IBA टेस्ट पास असाज़ा का एहतजाजी धरना आज भी जारी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान दादरसी को पहुंचने का मुतालबा। वज़ीर तालीम ने महकमा तबाह कर दिया, फौरी ओहदे से हटाया जाए। असाज़ा के मसाइल सुने, अगर एहतजाज गलत है फिर भी हुकूमत इनके पास आए।